आईपीएल में सट्टा हारे तो कर लिया अपने ही भाई का अपहरण और कर डाली आधा दर्जन वारदातें। बता दें ऐसी ही वारदात हुई थी हमीरपुर में बीते माह, जिसका खुलासा आज हमीरपुर पुलिस ने करते हुए दो अभियुक्तों को जेल भेजा है, जिन्होंने अपने नाबालिग भाई का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती की डिमांड की थी और पुलिस को पीछे लगा दे बच्चे की हत्या करने की कोशिश की थी। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के विवेक नगर मोहल्ले में रहने वाले कलेक्ट्रेट कर्मचारी प्रभात तिवारी, जिनके 4 वर्षीय इकलौते बेटे का 30 मई को दिन दहाड़े अपहरण हुआ था और 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और तत्काल जिले की सीमाओं को सील करते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया था। तो वहीं अगल बगल के जनपदों की पुलिस भी अलर्ट थी, जिससे अपहरणकर्ताओं ने अपना मंसूबा फेल होते देख बच्चे की हत्या करने की कोशिश की थी और जसपुरा थाना क्षेत्र में बच्चे को छोड़कर फरार हो गए थे। हमीरपुर पुलिस की कई टीमें किडनैपर्स की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी, तो वहीं पुलिस ने घटना के दूसरे दिन एक सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए 10,000 का इनाम घोषित किया था, जिसमें पुलिस को 25 दिन बाद आज कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहृत युवक के 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। बता दें सोमेश तिवारी ने बताया कि वह आईपीएल में सट्टा लगाकर 2,85,000 रुपए हार गए थे, इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया था। किस तरह की घटना को वारदात अंजाम दी? जनपद हमीरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र में 30 मई को एक ये अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें एक छोटे बच्चे का अपहरण फिरौती हेतु किया गया था। उक्त प्रकरण में वादी के तहरीर के आधार पर तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया गया और 5 टीमों को लगाकर सीसीटीवी फुटेज देखा गया। उस आधार पर 2 आरोपियों के चिन्हित को चिन्हित किया गया, जिनका नाम सोमेश तिवारी और सुमित तिवारी है। ये दोनों आरोपी कानपुर के रहने वाले हैं। इन टीमों द्वारा लगातार गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे, जिसके सफलतावश कल देर रात इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही इन्होंने अपनी जिस तरह से घटना कारित की है वो पूरा वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये लोग आईपीएल में कुछ पैसा हार गए थे और जिसकी वजह से इन्होंने अपने ही घर के नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनके बच्चे के अपहरण की योजना बनाई और उस बच्चे की अपहरण करते हुए फिर फिरौती की डिमांड की और इसके बाद क्योंकि वो बच्चा उनको पहचान गया था और लगातार पुलिस की जो चेकिंग लगी हुई थी उस दिन, तो बच्चे को एक नाले के पास उसको जान से मारने का प्रयास करके उसका गला काट कर ये लोग छोड़कर भाग गए। हमीरपुर एसपी शुभम पटेल ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों किडनैपर 4 वर्षीय वैभव तिवारी के सगे चचेरे भाई हैं, जिन्होंने आईपीएल में हारे धन की खातिर आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दिया था। जिस बाइक से बच्चे का अपहरण किया गया उसे यह दोनों चुरा कर लाए थे और जिस फोन से फिरौती की मांग की गई थी उसे दोनों ने रास्ते में लूटा था। इसके साथ ही कुछ और वारदातों को अंजाम दिया था। हमीरपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।